वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है पॉलिटी, जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो आज हम एकदम नई एनर्जी और नए जोश से एकदम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पॉलिटी करीब लगभग आपको 20 से 25 दिन में पूरी पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पॉलिटी की स्टार्टिंग होती है वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड से आई थी, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कोलकाता बंगाल में हुई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस समय मुग़लों का शासन था। तो मुग़ल शासक हमारे यहाँ अकबर उस समय राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई। तो एक ये व्यापारी कंपनी थी जो कि भारत में अपना व्यापार करने आई थी। तो ये सबसे पहले बंगाल पे आई, तो इसमें 1774 में एक युद्ध हुआ, तो जिसने 1774 में युद्ध के बाद इसने अपना बंगाल पे शासन कर लिया। ये बक्सर का 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, जिसमें अब यहाँ के जो मुग़ल शासक थे उनकी जो राजगद्दी थी वो मुग़ल एम्पायर ने, जो मुग़ल शासक थे उन्होंने ले ली। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि फिर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के लोगों पर एक मतलब दुर्व्यवहार टाइप से मिसबिहेव करते थे। तो जैसा कि सबसे पहले जो हमारा कानून बना है भारतीय इंग्लैंड की संसद द्वारा, तो वो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। तो ये रेगुलेटिंग जो एक्ट होता है दोस्तों, वो एक एक्ट अधिनियम था जो कि जो इंग्लैंड की क्राउन जो वहाँ पे जो रानी थी उनके द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो कि भारत में शासन करने आए थे। तो ये क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो स्थापना इसकी हुई थी वो अधिनियम था एक, जो कि क्राउन के द्वारा लगाया गया था ब्रिटिश क्वीन के द्वारा। तो ये 1773 ईस्वी में पहला अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला अधिनियम था। तो जैसा कि हमारे यहाँ संसद है, जो अभी इस टाइम प्रेजेंट में संसद है, उसके तीन भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जैसा कि संसद के तीन भाग हैं हमारे, उसी जो पहले इंग्लैंड की संसद थी तो उसके दो भाग होते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लोअर्स। तो उसी के आधार पर हमारी जो भी संसद है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स को हम राज्यसभा कहते थे और हाउस ऑफ लोअर को लोकसभा, जो कि अभी भारत में इस टाइम यही प्रचलित है और यही मौजूद है। तो सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। तो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारतीय लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रही थी उसे रोकना था। और ये जो अपना जो व्यापार कर रही थी उसका एकाधिकार था उससे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना जो लाभ होता था और उसमें खुद का पूरा शासन जमाया हुआ था। तो उस फिर क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल में जो आपने देखा कि 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर शासन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने जो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इसी अधिनियम के तहत जो हमारे गवर्नर जनरल बन चुके, तो उनका ये काम था कि जो हमारे बंगाल की जो मुख्य अधिकारी था, जो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है तो उसी टाइप की इनकी वैल्यू थी, तो उनका पूरा अधिकार था। उसके बाद ये क्यून का था सबसे, तो हमारे यहाँ क्या रहता था कि ये वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल बन चुके थे बंगाल के। और बंगाल में ये हुआ था कि मद्रास और बंगाल और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया था। कौन से अधिनियम में, 1773 अधिनियम में इसे तीनों प्रेसिडेंसी मुंबई और मद्रास और बंगाल को एक कर दिया था। तो इसी अधिनियम के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट अभी जो हमारा है वो इसकी स्थापना हुई 1774 ईस्वी में कोलकाता में। पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ था दोस्तों, कोलकाता। तो इसके बाद अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में
समझे दोस्तों। तो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें चार सदस्यीय थे, इसमें चार सदस्यीय लोग थे। तो इसमें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एल्जा एम्पे थे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो और इनके तीन सहायक जो को बोलते हैं, को जज, तो तीन सहायक जज थे। हालांकि ये सभी काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो हमारा कोर्ट बना था फेडरल कोर्ट, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसके सदस्य कौन थे, मतलब जो अध्यक्ष हमारे एल्जा एम्पे थे, और ये तीन सदस्य और थे, इनका नाम है चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। तो ये कुल मिला के चार सदस्यीय थे। तो अब हम बात करेंगे एक दूसरे अधिनियम की। हाँ तो दोस्तों एक बात और कि ये जो संसद है इंग्लैंड की, तो इसे क्या, इसे संसदों की जननी, ये संसदों की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये इंग्लैंड को बोला जाता है, जो हमारी पार्लियामेंट की मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, क्या बोला जाता है, इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, ये नया क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है। अब नए अधिनियम की बात करते हैं, तो ये हमारा 1833 का अधिनियम। तो 1833 अधिनियम में क्या हुआ था दोस्तों, कि ये भारत का, ये इसमें क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था कि भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया था, किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। लेकिन अब क्या हुआ, 1833 जब एक्ट आया तो उसमें भारत का प्रथम गवर्नर, इसमें क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें क्या है, भारत का गवर्नर जनरल। अंतर देखना दोस्तों थोड़ा सा है, पर ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में, और ये 1833 में अधिनियम में जी किया हुआ था भारत का प्रथम गवर्नर, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बना दिया गया, जो कि 1828 से 1833 तक उसका शासन चला। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 1833 के अधिनियम में भारतीय लोगों को पढ़ाने के लिए करीब 1,000,000 रुपए का योगदान आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश संसद से 1,000,000 रुपए का भेजे गए थे, जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारतीयों को इंग्लिश शिक्षा या फिर जो भी शिक्षा है उन्हें शिक्षित किया जाए। तो इसके लिए एक 1,000,000 रुपए का एक प्रस्ताव आया था, और जो कि 1,000,000 रुपए की जो हमारी राशि थी उपलब्ध हुई थी। तो उसके हमारे जो बहुत ही अच्छे कह सकते हैं लॉर्ड में काले, तो जैसे हम क्या कहते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो इन्होंने भारत को पढ़ाने का सिद्धांत किया, भारत की भारतीय लोगों को शिक्षा देने का मेन श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, निश्चिंदन का सिद्धांत, उसे फेडरल ऑफ थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों ये लॉर्ड मैकाले थे हमारे बहुत ही अच्छे, क्या बोलते हैं इन्हें, मतलब ये ट्रांसलेटर थे और मनोवैज्ञानिक, एक अच्छे इंसान थे कुल मिला के। तो इन्होंने क्या किया, हमारे भारतीय शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। तो हमारा नेक्स्ट एक्ट है 1858 का अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी 1600 ईस्वी में, तो उसका क्या था कि उसका शासन था, बट वो पूरा जो कुछ होता था प्रॉफिट लॉस वो सब उसी का रहता था, पूरा उसकी जो जनता के ऊपर उसकी सब चलती थी और पूरा पावर उसी के हाथ में था। लेकिन जब 1833 का अधिनियम आया तो उसमें 1858 का अधिनियम में क्राउन के हाथों में क्या दे दिया गया, जो ब्रिटिश की क्राउन थी जिन्हें विक्टोरिया से, वहाँ तो लगभग वंश के अनुसार वहाँ अभी भी चलता है सिस्टम की, वहाँ एक बन गई तो उनके जो मदर हैं उनकी जो बेटी है या बेटा है वो बनता चला जाएगा, इस टाइप से वंशाक्रम चलता है। तो उसी टाइप से ये रानी थी वहाँ की विक्टोरिया द्वितीय, उन्होंने क्या किया कि कंपनी का शासन जो था अभी आपने देखा वो समाप्त करके अपने हाथों में ले लिया था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें थोड़ा विद्रोह होने लगा था, सैनिकों में आपसी विद्रोह होने लगा था। तो सैनिकों के विद्रोह के पहली को समाप्त करने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक ये काम किया कि जो जहाँ पे हमारे 5 सैनिक, पहले क्या होता था जैसे अनुपात रेशियो में हम बात करें तो जहाँ पे 5 सैनिक होते थे वहाँ पे उनके बीच में एक ब्रिटिश सैनिक होता था। तो ये कुल मिला ये था कि भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी और ब्रिटिश कम थे, तो ब्रिटिश के जहाँ पे 5 भारतीय इंडियंस होते थे, भारतीय वहाँ पे
एक ब्रिटिश आदमी सैनिक होता था। लेकिन जब इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी तो उसमें क्या हुआ कि जो क्राउन थी, क्राउन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पे 3 ब्रिटिश और 2 इंडियन, ये रेशियो है दोस्तों, एग्जैक्टली नहीं है, जहाँ पे 3 ब्रिटिश होते थे वहाँ पे 2 इंडियंस, ये रेशियो में सेना को अपने डिवाइडेड कर दिया। तो अब दोस्तों इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो हमारी बगावत थी, जो क्योंकि ये जो लैंग्वेज हिंदी है ब्रिटिश समझते नहीं थे, तो ये जो इंडियंस थे वो आपस में क्या बना लेते थे, कुछ अपनी रणनीति या कुछ स्टेप से बना लेते थे, तो विद्रोह कर देते थे, तो ब्रिटिश जो थे वो समझ नहीं पाते थे हिंदी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश को 3:3 के अनुपात में बाँट दिया। तो अब बात करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को, अब जो यहाँ पे गवर्नर जनरल बने थे 1833 के अधिनियम में विलियम बेंटिंक, अब जो ये पद था, तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो जब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग अभी तक के सभी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है जहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये कब बने थे? 1856 से 1862 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। तो ठीक है दोस्तों, एक अब जो हमारा हम बात करें कि 1935 के अधिनियम के बारे में, जो कि हमारे भारतीय संविधान की सबसे ज़्यादा रीडी बोलें तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स या सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है। वैसे हमारा संविधान काफ़ी देशों से मिलकर, करीब 12 से 15 देशों से मिलकर बना है, कहीं से कुछ आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो 1935 का अधिनियम था उसमें क्या हुआ था कि ये अंतिम अधिनियम था अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीय संविधान निर्माण सर्वाधिक, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि भारतीय जो संविधान बना है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 1935 आर्टिकल का है, जो एक्ट है, सॉरी आर्टिकल नहीं, एक्ट का, 1935 एक्ट का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें काफ़ी ऐसी बातें कही गई थी कि जो कि हमने इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए, जो कि हमें जो संविधान बनाने में काफ़ी चीज़ें मिली। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक है कि RBI की स्थापना कब हुई। तो वैसे हम लोग याद कर लेते हैं कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, बट आपको पता है कि RBI की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई। तो हमारा जो एक्ट बना था 1935 का एक्ट, उसके तहत RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, 1 अप्रैल 1935। और फेडरल कोर्ट, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, जो हाई कोर्ट की स्थापना 1935 ईस्वी में, इसे फेडरल कोर्ट जब कहा जाता था, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमारा लगभग ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है एक्ट। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड अगली वीडियो की, और इसी टॉपिक के साथ, इसी मतलब पॉलिटी में अगले टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कि हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और पूरा कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट करने एकदम जीरो से दोस्तों बताना कैसा लगा हमारा पॉलिटी पढ़ाने का तरीका, एकदम जीरो से पढ़ाया दोस्तों। और कुछ चीज़ें हैं और इसमें ऐड करेंगे, फिर आपको जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।